जय शनिदेव भैया। जय शनिदेव सबको। कैसे हो भैया? मैं बढ़िया एकदम। भैया दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए आप क्या सूचना देना चाहोगे भक्तों को? दिवाली के लिए पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि ना अभी दिवाली आ रही है तो सभी तांत्रिक समस्त चीजें गलत चीजें तांत्रिक एक दूसरे के लिए भोग लगाएंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे सबके घरों में दिवाली पूजन किया जाता है और रात के समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है, साथ में श्री गणेश भी पूजा जाता है। श्री गणेश लक्ष्मी दोनों की स्थापना और सब पूजन किया जाता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सारी पूजा ही करता है, लेकिन ऐसे ही जो तंत्र सीखते हैं करते हैं और जो उनके चेले हैं सारी चीजें वो भी गलत प्रकार के भोग, जैसे आप सभी समझते हैं, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो गलत तरीके की सारी चीजें आप समझते हैं, मुर्गा बकरा और जो भी गलत चीजें लोग भोग देते हैं वो आप देनी शुरू कर दी है। तो आप सभी थोड़ा होशियार रहे, नाग माता से प्रार्थना करें कि हे नाग माता कृपया करके हम लोगों पे समस्त क्रियाओं के बचाव हेतु हमें बंधन लगा के रखे। और कोई भी बड़े त्योहार की, क्योंकि साल की सबसे बड़ी मावस मानी जाती है तो इस दिन ज्यादा क्रियाएं उड़ती है और लोगों के लिए घात भी भेजी जाती है, जिसको हंडी क्रिया या फिर मारण क्रिया भी बोला जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों के लिए ये चीजें छोड़ी जाती है। तो उन सबके बचाव के लिए आप घर में रहे, इधर उधर की यात्राएं फालतू में ना करें, ठीक है, और अपने बचाव के लिए जाप मानसिक करते रहे। सबसे भारी मंत्र जाप आप जब कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा आपका जप हनुमान जी का, काली माता का, और सबसे सरल अगर आप जाप करते हैं तो राम भगवान का जप कर सकते हैं, जिससे राम समस्त प्रकार से आपकी, जैसे रावण का करके अपने घर वैसे लौटे थे समस्त सारी परेशानियों को हल करके माता सीता के साथ, ऐसे ही आपके घर में माता लक्ष्मी विराजमान हुए और आप समस्त नकारात्मक क्रियाओं से पीछा छुड़ा के अपने घर में वापस सुख समृद्धि के साथ लौट आए। श्री गणेश माता रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजित हो और सारी चीजें समस्त बढ़िया से हुए। एक गुप्त क्रिया करनी होती है लक्ष्मी वाले दिन, मतलब दिवाली वाली रात को 12 बजे से शुरू करनी होती है, लेकिन एक घंटा पहले उससे तैयारी करनी होती है। तो उसकी गुप्त क्रिया अगर कोई करना चाहता है तो फोन पे पूछ लेगा, मैं उसे बता दूंगा। ऐसे खुल के नहीं करते, इसलिए मैं सबको ऐसे नहीं बताऊंगा, सबके पास नहीं, किसी को करनी है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और फोन उठाती है जो उससे बात, वो मेरी बात आपसे करा देगी, ठीक है। तो सबको दबाव पड़ सकता है, सबको दबाव पड़ सकता है, सबके ऊपर क्रिया हो सकती है, बंधन दोबारा भी हो सकते हैं। तो कृपया करके समस्त क्रियाओं से बचाव हेतु मानसिक जप करते रहे और मंगलवार को घबराए नहीं, थोड़ा बहुत दबाव सबको पड़ सकता है, क्योंकि जिस जिसके ऊपर भी एक बार भी तंत्र किया हुआ है, क्योंकि तांत्रिक और भगत और सारे गुरु सब एक बार शांत हो जाओ सारे। समस्त गुरु अपने अपने सब अपने मतलब भोग देंगे तांत्रिकों को भी, देवताओं को भी, प्रेतों को भी, पिशाचों को भी, और सब गलत क्रियाओं को सबको भोग जाएगा, ठीक है। तो भोग जाएगा, उसमें पूजा होगी, वहाँ जोत जलेगी, भोग लगेगा, वहाँ से चीज उड़ेगी और आप तक भी जो तरंगे भेज रखी है वो सारी आप तक भी पहुँचेगी। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आने वाले दिवाली से एक हफ्ता पहले और दिवाली के एक हफ्ता बाद तक अपने आप को सुरक्षित रखें, फालतू में इधर उधर ना घूमें, चौराहों से सचेत रहें, क्योंकि इस समय सारे चौराहे जागृत कर दिए जाते हैं और जो बड़ा चौराहा होता है, जो 3 तरफ से खुला होता है और 2 तरफ से जिसका मुख बंद होता है वो सबसे बड़ा चौराहा माना जाता है, उसके पास से बिल्कुल भी ना गुजरें। अपने आप को बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले। तो मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा और मंगलवार को हम एक बड़ा हवन करेंगे, जितने लोगों को हमने ठीक किया और जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं जो आ नहीं पाते और जो ठीक होके चले गए, तो थोड़ा बहुत अगर आपको दबाव पड़ रहा है तो घबराए नहीं, प्रीतम धाम के दूतों को प्रार्थना करें और मैं सबके लिए खुला कर देता हूँ, सबके पास जाएंगे, सबको झपट्टा लगाने से बचाएंगे, एक बंधन करके रखेंगे और सबको संपूर्ण पूरा कवच प्रदान करेंगे। सूर्य देव से प्रार्थना कर दूंगा कि सबको सूर्य कवच लगा के रखे और सबको बंधन प्रदान करे। तो बिल्कुल भी ना घबराए, मानसिक जप करते रहे, फालतू में इधर उधर ना घूमे, त्योहार के समय में घर रहे, सुरक्षित रहे। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय शनिदेव सबको।